सो ही ब्रोस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक अगेन टू मेकरीना। और आज हम फिर से मतलब हमारा स्प्रूस वुड किलशॉट यूज़ करने वाले विथ जैवलिन रैक 6, वो भी TDM में, और कैरबीन खोलने वाले हैं हम। अब मतलब मैंने डिसाइड कर लिया कि अब तो कैरबीन चाहिए। बहुत बार कैरबीन वालों के सामने जाके उनसे मर के उसके बाद अब मैंने डिसाइड कर लिया फाइनली कि मैं कैरबीन लूँगा, तो मतलब लूँगा। बट यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत चेस कलेक्ट कर रहा था ताकि मेरा मिशन हो जाए। सो एक मिशन कंप्लीट हो गया है। और यार टूर्नामेंट में अपना कौन सा मैच है, मैप है वो टनल ऑफ फेट, वो मैप है, तो उसमें तो अपन आराम से संभाल लेंगे अपने किल शॉट के साथ। सो यार चलते सीधे एक बैटल में और एंड तक देखना। और यार थैंक यू फिर से 1.5 के, और जिनका भी क्वेश्चन नहीं आया मैंने बोला था यार आज में छोड़ो, आज नहीं तो किसी और वाले Q&A में आ जाएगा, बट आएगा ज़रूर। सो वेट फॉर इट, सो हियर वी गो। फिर यहाँ पे मैच फाउंड हो चुकी है और टनल ऑफ फेट मैप है जैसे कि मैंने बोला था तुमसे। और यार तुम लोगों ने बोला कि मतलब अपन किल शॉट यूज़ करते हैं यार स्प्रूस वुड वाला। और यार ये देखो कतई बैडास लग रहा है मतलब। और एक और भाई अपने डॉन भाई भी हमारे साथ है बिकॉज इनका भी स्प्रूस वुड ही है। सो यार लेट्स होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं कैसे जाता है गेम। और यार मैं यहाँ पे छुप गया हूँ बंदों से ताकि कोई जैवलिन रैक वाला हो तो यार मैं मतलब कंपटीशन नहीं चाहता यार। और यहाँ पे इस बंदे को हमने दे दिया काफ़ी तगड़ा डैमेज और ये पीछे चला जा रहा है, पीछे चले ही जा रहा है, मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, बस चले ही जा रहा है। और मेरा किल चोरी होने वाला है, हो गया और क्या ही बोल सकते हैं। और असिस्ट भी नहीं मिला, सबसे बुरी बात मैं करीना ये क्या कर रहे हो यार, असिस्ट का तुमने लाया और असिस्ट दे ही नहीं रहे, तो व्हाट इज दिस यार, ये क्या है यार, ये कोई बात है। और ये नमन भाई को मैं कब से मारने की कोशिश कर रहा हूँ पर मर ही नहीं रहे भाई साहब। और ये भाई को देख लेते हैं और चलो यार इसको निपटा देते हैं, यमराज के पास भेज देते हैं ये भाई को। और नमन अभी भी वहाँ ऊपर है यार, ये क्या बात हुई, यहाँ से पेपर वाले खिसक लेते हैं क्योंकि यार यहाँ पर मेरा मन नहीं लग रहा यार, और उस राउंड हाउस को मारना है मतलब मन कर रहा है। तो मैंने अपने एक साइड के फायर कर दिए, दूसरे साइड के फायर कर दिए और उसने सिर्फ मेरे को मारा, ये क्या बात हुई भाई, तू पागल है भाई, नहीं तू पागल वागल है, सच में पागल है क्या भाई, तुझे और कोई नहीं दिख रहा था। ओके यहाँ पर मिले डैश यूज़ करते हैं और इस बंदे को भी फिनिश कर देते हैं हम जल्दी से। और ये अथिस्ट पोप को तो मारना ही है भाई, इसने पोप का नाम ख़राब किया है, अब इसे मारने के लिए मेरे को मिले डैश यूज़ करना ही पड़ेगा। तो यार इसे मार देते हैं और ह्यूमिलिएशन भी ले लेते हैं बड़ा आसानी से। हमारा मैच जा रहा है काफ़ी सही तरीके से और ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये पूरा मैच हमारे हाथ में बिकॉज 3-7 चल रहा है हमारा स्कोर, तो काफ़ी अच्छा जा रहा है। और ये भाई को अपन ने फिर से डैमेज दिया और ये मैंने देखो जग्गी का कवर ले लिया, मतलब उसके आ गया, उसके पीछे आ गया, आगे नहीं उसके पीछे आ गया, और मतलब मेरे को कवर मिल गया, उसको लग गई गोलियां और मुझे नहीं लगी। और यार मतलब क्या मतलब सही मैच जा रहा था, मतलब हमारे हाथ में था 8-7 हो रहा था बट मेरे को थोड़े बहुत किल्स चाहिए थे तो मैंने इसको निपटाया और डोमिनेटिंग ले लिया यहाँ पर। और यार एक और किल मिल जाता तो काफ़ी अच्छा होता, तो मैं एथिस पोप के पास जाता हूँ और इसे निपटा देता हूँ मिले डैश यूज़ करके, और स्मैकडाउन भी मिल जाता है और 10-3 का हो जाता है काफ़ी अच्छे से। सेकेंड राउंड चालू होता है और फिर से मैं ले लेता हूँ मेरा किल शॉट, और वही हमारी पुरानी सी स्ट्रैटेजी, हम वापस से यहाँ पे आ जाते हैं और छुप जाते हैं ताकि हमें कोई बंदा मतलब जैवलिन रैक से फायर करे तो हमें अरे कवर पे लगे हमें ना लगे और हमारी हेल्थ कम ना हो, तो मैं यहाँ पे छुप जाता हूँ, यहाँ पे छुपा रहता हूँ और बोर हो जाता हूँ यार, मेरे को बोर फील होने लगता है तो फिर मैं आगे जाने लगता हूँ। उतने में ये चचा है ना आगे आने लगता है, वो देखो वो ऊपर वाले सर्फ अकाउंट, तो हमें इन्हें मतलब थोड़ा बहुत डैमेज देते हैं। और मैंने सोचा था अगर इसकी हेल्थ कम होगी तो मैं फिर से जैवलिन रैक फायर कर दूंगा मेरे भाई, बट क्या किस्मत का कुछ और ही मंजूर था, मतलब उसको नहीं हुआ डैमेज, सिंपल सी बात है। और मैं देखता हूँ कि वहाँ पे दो बंदे ऑफलाइन है, तो मैंने बोला अरे इसकी भैंस की यार, ये देखो ये भाई ये किल ले रहे हैं यहाँ पे और हम यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहे, तो यार मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और ये दोनों ऑफलाइन बंदों को बस पकड़ के बैठ जाता हूँ, मतलब इन्हें तो मारना ही है, मतलब कुछ भी करना है बट इन्हें तो मारना ही है। सो इसको हम बैक का डैमेज देते तो जो कि काफ़ी अच्छा डैमेज था। और यहाँ पे नमन भाई के पास चल लेते हैं बिकॉज इसको निपटाना तो बनता है मेरे भाई, बिकॉज ये डॉन है ना किल लपेटे जा रहा था, मेरे को मतलब गुस्सा आ रही थी, तो मैं ये एस किलर को मारता हूँ और मिले डैश यूज़ करता हूँ, फटाक से अपना किल अपने खाते में बुक कर लेता हूँ। और फिर मैं यहाँ पे छुप जाता हूँ ताकि अगर कोई एक्टिव प्लेयर यहाँ पे स्पॉन हो तो कि हमें कवर मिल जाए, तो मतलब सिंपल सी बात है कवर मिल जाएगा। फिर से हम नमन भाई आते हैं तो भाई यार दिमाग चटकता है, तो फिर से मैं इन्हें निपटा देता हूँ। अब भाई वो डॉन सोच रहा होगा यार तू मेरे किल सी ले ले भाई, तू क्यों है यार यहाँ, तो किल चुरा रहा, मतलब यार ये क्या बात हुई, वो मतलब मेरे को बोल रहा होगा ऐसा, मैं नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पर मेरे को एक लो हेल्थ वाला बंदा दिखता है तो यार इसके पास तो आना बनती था,
निपटा देते हैं और किलिंग स्प्री ले लेते हैं बड़ी आसानी से। और ये भाई को भी अपन एथीस्ट पोप को भी निपटा देते हैं। काफ़ी सही, काफ़ी सिक्योर तरीके से खेल रहे थे हम। मरना नहीं था, बस यही डिसाइडेड था मेरी ज़िंदगी में, मेरे मतलब लाइफ वही थी कि मेरे को मतलब मरना नहीं है। और मैं सर्फ अकाउंट को मारने जा ही रहा था कि भैंस की असिस्ट हो जाता है और मेरे को ये पीछे से मार देता है। बट अच्छी बात यह है कि मैं मतलब लास्ट में ही मारा यार। और MVP तुम्हारा भाई है एज यूजुअल, 10 किल 1 असिस्ट, गॉड लाइक नहीं मिला, सो सैड फॉर दैट थिंग, बट इट इज़ अनस्टॉपेबल। मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे भी नहीं पता, बट यार काफ़ी सही मैच था, तुम्हें देख के पसंद आया होगा। और मेरी कमेंट अच्छी लगे तो बता देना, और यार लाइक ठोको यहाँ तक देखा तो, सब्सक्राइब करो इस वाले चैनल को, और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।